होटल में। क्या बोल रहे हो? मतलब हम जाएंगे ना, हाँ, ये होटल के अंदर तो आपको पिज्जा मिलेगा, फ्राई मोमोज मिलेंगे, फ्राई तंदूरी मोमोज मिलेंगे, सोया चाप कैसा है? सोया चाप बहुत इनका अच्छा है, और फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, वो भी बहुत सस्ते सस्ते में मिलता है इधर। सस्ते में मिलता है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है, कौन से स्टैंड में पढ़ रहे हो? मैं फ्रेंच फ्राइज 100 में। हाँ, यू लाइक इट? सो गाइस, देयर यू सी, दैट इज द सेंट मेरी स्कूल, और ये जो लेन है यहाँ से आपको अंदर आना है, और जैसे ही सेंट मेरी स्कूल की लेन के अंदर आएंगे, राइट साइड पे यहाँ पर आपको दिख रहा है सन ऑफ स्वाद, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और हमने इनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली में एक फूड कल्चर बहुत ही पॉपुलर हो गया है, दैट इज़ द सोया चाप। वाओ, तो सोया चाप दिल्ली में बहुत पॉपुलर है, हर कोई खा रहा है, और यही पॉपुलर फूड कल्चर अब सन ऑफ स्वाद ने मुंबई फोर बंगलोज में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यस, एकदम ही टेस्टी टेस्टी। सो बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आपको नॉनवेज सारी रेसिपीज वेज में मिल जाती है। अरे ये क्या मतलब, इनके पास वेज बटर चिकन है, वेज फिश फ्राई है, सोया मलाई चाप है, एंड दिल्ली के कुलचे उलचे भी है। तो चलो इनकी कुछ कुछ रेसिपीज कवर करते हैं। देखो यार, ऐसा लग रहा है तंगड़ी मंगड़ी लगा के रखी है, पर ये वेज है, ये प्योर वेज है। सो आइए ये सोया चाप कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। मुंबई में भी आ गया भाई, तो दिल्ली वालों जब भी आप आएंगे चार बंगला महाड़ा, 100% वेज, दिस इज सन ऑफ स्वाद फॉर यू। सो गाइस, आई एम इनसाइड द किचन ऑफ सन ऑफ स्वाद, एंड सन ऑफ स्वाद में यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं सोया मलाई चाप जी, और हमारे साथ है विकास जी, जो काफी शर्मीले हैं। क्या उम्र क्या है यार, कितने साल की कुकिंग एक्सपीरियंस है? जी सर, अभी तो फिलहाल में एक साल हुआ है जी। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट विकास, बताइए कैसे बनते हैं मलाई सोया चाप, ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जी सर, ये आपके जो मसाले हैं, ये आपका कट हो गया, ये सोल्ट हो गया, ये आपका कसूरी मेथी हो गया, ये फ्रूट चाट मसाला हो गया जी, ये आपका हो गया बेसन जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया आपका जी, ये आपका चाप हो गया जो दिल्ली से मंगाते हैं जी। अच्छा, ये सोया चाप है, ये देखिए, ये दिल्ली से मंगाते हैं, इसको आपने डीप फ्राई करके रखा जी? डीप फ्राई, ये तेल में फ्राई होता है, उसके बाद में हम जो मसाले मेरी बेसन है वो आपको बताएंगे। अच्छा, ये चाप भी दिल्ली से मिल जाती है, वैसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड जी सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये कट डाला सर, ये कितना दही होगा? ये सर करीबन 250 ग्राम जी सर, 250 ग्राम हो गया। फिर इसके बाद में आपको सर बेसन डालना है, बेसन उतना डालिए, मतलब जितना दही है ना उससे थोड़ा कम बेसन डालिए, घर पे भी बना सकते हैं आप जी। जी जी सर, ये आपका हो गया, इसमें सोल्ट, सोल्ट जी सर, सोल्ट थोड़ा हल्का ही डालना है सर आपको, हल्का सा डालना जी सर। ये आपका कसूरी मेथी हो गया, कसूरी मेथी जी सर। सो सोया चाप के अलग से एक मैरिनेशन बनता है जी जी सर जी सर। ये आपका अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया सर, अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत कम मात्रा में। ये आपका हो गया फ्रूट चाट मसाला, मीनार बोलते हैं। ओके, और चाट मसाला या तो आप ले सकते हैं जी सर। जी सर, अब इसको आपस में मिला मेरे, ये एक पोर्शन का मसाला बना रहे हो, वरना तो आप क्वांटिटी कुकिंग कर रहे हो। बिल्कुल सर। ओके, तो अगर ये तकरीबन 8 पीस हो गए सोया के जी सर, तो तकरीबन 8 पीस है जी, और उसके लिए ये मैरिनेशन बता रहे हैं जी। ये आपका पूरा मेट हो चुका है, अब इसको रखना होगा कुछ देर की सीधा? नहीं, ये आपको करके सीधा कर दिया, आपके ये आपने डालना है जी। ये आपके पीस हो गए, इसमें डाल दीजिए, इसको घर पे भी बना सकते हैं आप जी। और यहाँ पे कितने का मिलेगा ये? ये सर जी हाफ 120 हो गया, फुल 2, हाफ में 4 पीस आ जाएंगे जी सर, और फुल में तकरीबन 8 पीस जी। सो गाइस, दिस इज द नंबर ऑफ सन ऑफ स्वाद, गाइस सपोर्ट योर लोकल रेस्टोरेंट्स, कैन यू सी दैट क्लियरली? नो, दिस इज द नंबर, जरूर कॉल करिए और ऑर्डर करें जी सर। आपका रेडी हो गया है, ये रेडी भी हो गया, अगर बातों बातों में रेडी भी हो गया।
ये कितनी देर रखेंगे अभी विकास? 15 मिनट हो। 15 मिनट जी। को भी काटने वाले हैं जी सर। अच्छा छोटे छोटे पीस कर रहे ताकि मसाला अच्छे से अंदर बिल्कुल अच्छा अच्छे तरह से मिल जाए। 8 पीस कितने का था? 220 रुपये। हाँ। किसी को हाफ प्लेट चाहिए तो मिल जाएगा? हाँ हाफ प्लेट 120 है। 120 का जी। आते के मशीन है भाई, संभाल के कटवट ना जाए कभी तक, मतलब टमाटर सॉस अचानक से आ जाएगा फिर। ये अभी काट दिया है ना आपने? जी सर। अब क्या कर रहे हैं इसमें मसाले? अब मसाले डालेंगे इसमें, क्रीम क्रीम सोया चाप को अब मलाई सोया चाप करने वाले हैं। अब इसमें डालेंगे जो सनोफ स्वाद के मसाले हैं। सनोफ स्वाद के मसाले जी सर। अच्छा और घर पे कोई यूज़ कर रहा है तो क्या यूज़ कर सकते हैं? जी अपना जीरा पाउडर मसाला, चिली फ्लेक्स हो गया, गरम मसाला हो गया आपका। हाँ। और थोड़ा सा जो है चाट मसाला, ग्रीन मिनार हो गया जी। चाट मसाला यूज़ कर लो जी। ओके जी। ये अमूल क्रीम हो गया, अमूल क्रीम जी। ये थोड़ा लगा के ये अपना घर पे भी बना सकते हैं। काजू मगज पेस्ट से, काजू मगज पेस्ट है। ओ, क्या बात, एकदम शाही टच आ गया है जी। हरी मिर्च और अदरक लहसुन भी है। अच्छा जी सर। ये बटर है आपका? बटर आ गया जी। ये खोल के बटर डाल रहे। और ये आ गया, ये आपका धनिया हो गया। धनिया हो गया जी सर। कैसा प्लेट? 220 जी। और मलाई आ गया जी सर। जी सर रेडी हो गया आपका पैकिंग के लिए। पैकिंग के लिए? अच्छा जी। तो ये पैकिंग आपने अगर ऑर्डर दिया है तो ऐसे पैक होके आपके घर तक पहुंच जाएगी जी। क्या बात है यार। अरे थोड़ा रह गया वो भी डालो, 220 रुपये तो पूरा वसूल लूँ, छोड़ना नहीं एक भी। ओके सर। ओके ओके। सो यस भाई मलाई चाप, अभी इस पर और मलाई डाल रहे क्या? कहाँ क्या क्या करते हो बताओ तो सही। ओह फैंटास्टिक। और धनिया भी आ गया। दिस इज द ब्यूटिफुल सोया मलाई चाप। ये रेडी हो गया। अब और कुछ डालने वाले हो कि मैं लिंक ले लूं? ढक्कन दे दो। तो यार ये विकास ने बहुत अच्छे तरीके से हमको ये रेसिपी बताई है, थैंक यू सो मच विकास जी। और बहुत आसान तरीका है बनाने का, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आके खाने का, चार बंगले पे आने का, माड़ा में सेंट मेरी स्कूल के पास जी। यहाँ पर सन ऑफ स्वाद एंड लेट नाइट तक भी चलता है। 220 में आपको ये फुल मिल जाएगा, 120 में हाफ मिल जाएगा। आइए ज़रूर ट्राई करिए। फिलहाल मैं टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा इसका स्वाद कैसा है। इस द मलाई चाप एंड आप अक्षय। सो अक्षय बताओ यार, बिफोर आई ट्राई, क्या है भाई ये दिल्ली वाला कल्चर मुंबई में आ गए? या दिल्ली वाला कल्चर इसलिए सर, आई गो टू माई नानी प्लेस मेरठ में। हाँ। So, दिल्ली में लोग सब्जी की तरह खरीदते हैं चाट में। इतना पॉपुलर है दिल्ली में? इतना पॉपुलर। अच्छा तो मतलब हमारा वीडियो एकदम दिल्ली में ट्रेंडिंग भी जाने वाला है? जरूर जाएगा। बिकॉज तो वो धीरे धीरे से मेरठ में भी आया है। सो दिस इज लाइक वहाँ पे भी चाप का बहुत क्रेज स्टार्ट हुआ, सोया चाप का। हाँ। yes. So, I felt like कि अगर ये धीरे धीरे अगर इसे स्प्रेड हो रहा है, Why should I not try it in Mumbai? Mumbai में भी thanks to him, ये है चार बंगला माड़ा पे। Yeah, four bungalows माड़ा near St. Mary's School. St. Mary's School. Yes, you can ask anybody. Where is Sanof Swad? Anybody can tell you. So, I'll give you a number also. Yes. So, चलो यार मैं ट्राई करता हूँ। एंड लग तो एकदम ही चिकन जैसा ही रहा है, आप लोग खाएंगे? आ आ आ आ करिए, आ मैं खा लेता हूँ। जबरदस्त बॉस, ऑसम है। Yeah, I know. That's why I got it here because 12 घंटा मैरिनेट करके वो चिकन खाते, वो जो सॉफ्ट हो जाता है मुंह में गलता है, वो वाला चिकन का टेस्ट आ रहा है बॉस। या फिर मटन को पपैया लगा के 2-3 घंटा रखो, वो नरम हो जाता है ना, वो वाला ये मटन का टेस्ट आ रहा है बॉस, ऐसा लग रहा है मुझे। मज़ा आ गया। एक ही शेर अर्ज करना चाहूँगा।
खुश हो जाएंगे आप जब आएंगे सन ऑफ स्वाद में और खाएंगे ये सोया मलाई चाप। आधा वर्जन चलो विद दिस, ये मैं पार्सल करके लेके जा रहा हूँ। यस 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 फॉर श्योर। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। मजा आ गया। अच्छा यार मेन्यू में मैंने अजीब अजीब से नाम पढ़े मैंने। मेन्यू में वेज बटर चिकन भी है। मेन्यू में वेज बटर चिकन भी है। उसकी रेसिपी शेयर करोगे? उसकी रेसिपी क्यों नहीं हम शेयर करेंगे। तो अगले सेगमेंट या उसके एपिसोड आप ले लीजिए। नेक्स्ट अपलोड विल बी वेज बटर चिकन कमिंग सून। जरूर देखिएगा। अक्षय विल बी देयर विद अस। पूरी रेसिपी बता रहा हूं। पूरी रेसिपी। आई एम श्योर यू लव दैट ऑल्सो। आई लव दैट। देखते रहें माय काइंड ऑफ प्रोडक्शंस।